Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. माता आप जा तो रही हैं, किंतु आप तो एक ही हैं, तो अन्य आठ देवियों का क्या होगा? राम भक्त हनुमान जी, इसकी भी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने कहा है ना, श्रीधर ने नौ देवियों का आमंत्रित किया है, तो वहाँ नौ देवियाँ ही जाएंगी। देवी विशालाक्षी, माता आपकी महिमा को समझ पाना तो सागर पार करने से भी कठिन है। प्रणाम माता विशालाक्षी। प्रणाम देवी वैष्णवी। प्रणाम माता। देवी महिषासुर मर्दिनी, हम सब की रक्षा। प्रणाम माता। राम भक्त हनुमान, आपकी सदा जय जय हो। देवी वैष्णवी, इस प्रकार स्मरण करने का कारण थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। ज्वाला कांगड़ा शक्ति पीठ की देवी ज्वाला। मणिकर्णिका देवी, बाराही देवी, विंध्याचल की देवी, पूजा और भोग का मुहूर्त निकला जा रहा है। अब तो हो गया ना मुहूर्त। कन्याएं कब से भूख से विचलित हो रही हैं। मैं भोजन परोस लूं? भोजन करवा दिया तो कहीं यहाँ से निवृत्त होकर कन्याएं इस श्रीधर के घर ना पहुंच जाएं। अभी मुहूर्त विशेष है। इतना सोचिए मत, उत्तर दीजिए, भोजन करवाऊं या नहीं? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, भोजन परोसने की इतनी शीघ्रता मत करो, मैं दो माला और जप लूं। हाँ समझ गई मैं, ये माला जाप तो केवल एक उपाय है विलंब करवाने का, जिससे श्रीधर भैया की पूजा सफल ही ना हो सके। भाग्यवान, जब इतना समझ गई हो तो मेरा साथ दो। जाओ तुम अपना कुछ काम करो, मुझे माला जपने दो। श्रीधर, मेरा विलंब तुम्हारी विफलता बनेगा।
बुलाने के पीछे क्या कारण है? और आप बालिका स्वरूप में क्यों हैं? मेरे महान भक्त श्रीधर के यहाँ हम सभी कंजक पूजा के लिए आमंत्रित हैं। माता, कितना अद्भुत दृश्य होगा जब बालिका रूप में अन्य 8 देवियों को साथ लेकर एक भक्त की पूजा, उसका व्रत सफल करने, स्वयं उसकी आराध्य उसके घर पधारेंगी माता। और एक लंगूरिया भी, 9 देवियों के साथ उनकी रक्षा के लिए एक लंगूरिया भी तो जाएंगे ना। हनुमान जी, विलंब क्यों कर रहे हैं? आपको भी तो चलना है। कहाँ स्वामी, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रही। विलंब मत कीजिए सुलोचना, मुहूर्त निकला जा रहा है, कंजिकाएं पधार रही हैं, उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। मैं उनके प्रण प्रक्षालन के लिए जल लेकर आता, पर आप उनके स्वागत के लिए पुष्पों की टोकरी लेकर आइए, जल्दी जाइए। मानना पड़ेगा, अपनी आस मिटने नहीं देता ये, किंतु आज तो इसे निराश ही होना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा इसके घर आज। स्वामी, यहां तो कोई भी नहीं है, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? तो मुहूर्त समाप्त होने ही वाला है। निराश क्यों होते हो पुत्र? No.
माँ। जय माता की। सर्वथा अद्भुत है ये दृश्य। एक ओर भक्त अपने आराध्य को देखकर मंत्रमुग्ध है, तो दूसरी ओर भगवान की दृष्टि भी उसी पर टिकी है। मैं आपके घर भोजन के लिए आई और आप मेरा स्वागत भी नहीं करेंगे। आइए ना, आपका स्वागत है। पधारिए, आइए, आइए। देखो सुलोचना, देवी माँ पधार चुकी है। किंतु स्वामी, ये 9 अन्य देवियाँ हैं, वो नहीं जिन्हें हमने आमंत्रित किया था। इसमें भी माता की ही लीला है। जब तक 9 देवियों की पूजा नहीं होती, तब तक पूजा संपन्न नहीं होती। अब जब 9 देवियाँ हमारे घर पर है, तो हमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। आइए पधारिए। देखी तेरे दरबार में छोटी छोटी कंजका, आपको कोटि कोटि नमन। ये आपका चमत्कार ही है। अब मेरे व्रत को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। कैसा अनूठा भक्त है जो आंसू से माता के पैरों को धो रहा है। माता, बस मेरी एक इच्छा और पूर्ण कीजिए। मुझे अपने साक्षात दर्शन देने की कृपा कीजिए, दया कीजिए। मेरे नैन व्याकुल है माँ, अपने इस भक्त को अब और प्रतीक्षा मत करवाइए। यदि माता ने अभी भक्त श्रीधर को साक्षात दर्शन दे दिए, तो इस युग में श्रीधर की भक्ति के कारण उनका आविर्भाव कैसे होगा जिसकी संसार प्रतीक्षा कर रहा है। मैं भी तो पंक्ति में हूँ। और ये भी सत्य है, जो होना है वो उचित समय पर ही हो तो उसका लाभ अधिक होता है। अब उचित समय है मेरे स्वागत का। हाँ हाँ, आपको कैसे भूल सकते हैं। आप देवियों के साथ आए, उनके रक्षक बनके आपका स्वागत अवश्य होगा। आइए, आप भी आइए। Thank you.
ऐसा क्यों किया हनुमान जी ने? माता को अपने भक्त को दर्शन देने से रोक दिया? क्योंकि जीवन में जो भी मिलता है वो समय और नियति से पहले नहीं मिलता। श्रीधर अपनी भक्ति प्रमाणित कर चुके थे, किंतु अभी उनकी परीक्षा शेष थी। तो अंततः श्रीधर अपनी कंजक पूजा में सफल हो ही गए। हाँ, और ये कार्य उन्होंने अनंत श्रद्धा से किया। आइए, आपका स्वागत है, अंदर पधारिए। इतना समय बीत गया है, श्रीधर के घर कोई आया तो नहीं? एक बार देख लेता हूँ। नहीं नहीं, वहां देवियां कैसे होंगी? वो तो यहां है, और अब तक तो श्रीधर पूर्ण निराशा से गिर चुका होगा। बस बहुत हुआ, और प्रतीक्षा की तो मुहूर्त निकल जाएगा, जो मैं नहीं होने दूंगी। मैं देवी भोज आरंभ कर रही हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, अब विलंब का कोई कारण नहीं है। स्वागत तो हो गया हमारा, अब बड़ी भूख लगी है। अवश्य आपने ढेरों पकवान तैयार किए होंगे। कार्य को धैर्य और समर्पण के साथ किया जाए तो वह अवश्य पूर्ण होते हैं।